CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बी अम्मा। भारत की आज़ादी की लड़ाई में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले अली ब्रदर्स यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की मां मोहतरमा बी अम्मा देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल हैं। उन्हीं पर आधारित है ये कार्यक्रम बी अम्मा। हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालिदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी। उनके वालिद का नाम मुजफ्फर अली था। उनका ताल्लुक रईसों और मनसबदारों के खानदान से था। ये खानदान अमरोहा का रहने वाला था। में इस खानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आजादी की जिद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के खानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेजों के मजालिम की दास्तानें भी बुजुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज हुक्मरानों से उन्हें नफरत हो गई। ये अंग्रेजी हुकूमत हमारे मुल्क पर कितने जुल्म कर रही है, हमें कुछ करना होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा। इनके खिलाफ हमें ही आवाज़ें बाबुलंद कुछ कहना होगा। हाँ हाँ, शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी उनके सुपुर्द हुई। मोहम्मद मुझे पकड़ो। अभी पकड़ता हूँ शाकत भाई जान। बी अम्मा ने इन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज हुकूमत को हिला कर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया। आओ बेटा शौकत, तुम भी आओ। मोहम्मद अम्मी, मैं सोऊंगा आपके साथ। नहीं, अच्छा। मैं सोऊंगा अम्मी के साथ। आप फटो ना, मैं सोऊंगा अम्मी के साथ। मैं सोऊंगा अम्मी के साथ। नहीं, मैं सोऊंगा। हाँ, इधर आओ। एक इस तरह, एक इस तरह, और मैं बीच में। अम्मी, आपको नींद नहीं आ रही? देखो बच्चों, तुम्हारे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अम्मी, आपकी आंखों में पानी गिर गया। बस बस, तुम खूब पढ़ो लिखो, मुल्क का नाम रोशन करो। जी अम्मी। अम्मी, आप देखना मैं बहुत पढ़ूंगा। मैं सबसे ज्यादा पढ़ूंगा। अम्मी, आपने अपने जेवर भेज दिए? मामू जान बता रहे थे।
मरे इन जेवरों का क्या करना मुझे? अरे तुम हो ना मेरे दो दो नगीने, दो दो नगीने एक ही एक ही। तुम खूब ऊंची तालीम लेना, खूब पढ़ना और इन अंग्रेजों को मुल्क से भगा देना। मैं सारे अंग्रेजों को भगा दूंगा। फिर ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। अम्मी जब हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा तब क्या होगा? खूब खुशहाली होगी, सब मिलजुल कर रहेंगे, तरक्की करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, खुशहाली होगी। भी अम्मा चाहती थीं कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेजों की जालिम हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करें और उनकी ये मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो अली ब्रादरान के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कलम और जबान के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं और उनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली ब्रादरान जेल में डाल दिए गए, अरे भैया मोहम्मद अली और शौकत अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही जुल्म है। भाई अबे क्या बोलने की भी आजादी नहीं है? अरे पर भाई जान, अंग्रेज बड़े ताकतवर हैं। अरे तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे? अंग्रेजों से टकराना ठीक नहीं है। अरे भैया उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोनों को समझौता कर लेना चाहिए, क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ये जान ले कि अपनी तकलीफों से बचने के लिए अगर शौकत अली और मोहम्मद अली किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो उनके मजहबी अहकाम या मुल्की फायदों के जरा भी खिलाफ हो, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुरियों पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घोंट दूंगी। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बी अम्मा के इस बयान से उनकी हौसला मंदी, जुर्रत, मजहब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ जाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। एक बार शौकत और मोहम्मद को देख लेती। कोई बात नहीं। उन्हें अमरोहे से फौरन रामपुर लाया गया। अली बिरादरान अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। मोहम्मद देखो, रामपुर आ गया। कितने वक्त के बाद अम्मी जान से मिल सकेंगे? हाँ शौकत भाईजान, मेरा तो दिल बेताब हुआ जाता है। हाँ मोहम्मद, मेरा भी दिल बहुत ही बेताब। यू कैन नॉट गो आउट। क्यों? हम तुमको बाहर जाने नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? इट्स एन ऑर्डर। ओ सर, देखिए बस माँ से मिलकर आ जाएंगे हम। आई से नो सर, हमारी माँ बहुत बीमार है, समझ लीजिए सर। नहीं सर, नहीं सर। जब इसकी खबर बी अम्मा को मिली तो वो खुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गईं। कौन से डिब्बे में है मेरे बच्चे? मैं भी उनके साथ चलूंगी। मैं भी उनके साथ चलूंगी। बी अम्मा, आप बीमार हैं, आप कैसे? नहीं, मैंने कहा ना मैं जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। अम्मा ऐसा मत करो। अम्मा आप यहाँ बैठ जाओ, आओ इधर। हाँ, इधर बैठ, थोड़ी सांस लो। बेटा,
जान खिलाफत पे दे दो, जान खिलाफत पे दे दो। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आजादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आंखों से देख लें। आखिर भी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए हुए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बी अम्मा, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा और रक्षित थपलियाल, बाल कलाकार नमन और निशांत, ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।